हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेसेस के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। इस वीडियो में हम देखने वाले पेज नंबर 87 पे दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग CO2 एंड वाटर। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बना सके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, और वे अपना फूड खुद बनाते हैं। जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते, बल्कि वो डिपेंड रहते हैं दूसरों पर अपने फूड के लिए। और दूसरा पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, जबकि हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन प्लांट्स सच एज ह्यूमंस एंड फंगाई। जबकि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड रहते हैं प्लांट पर अपने फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमंस एंड फंगाई। तो ये थे हमारे दो दो डिफरेंसेस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।